हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। द मास्क मूवी तो आप सबने देखी होगी और वो मूवी मेरी बेस्ट चाइल्डहुड मूवीज में से एक है। फिर मैं एक दिन ऐसे ही टीवी पे मास्क मूवी देख रहा था तो मुझे लगा कि इस कैरेक्टर की एक ओरिजिन स्टोरी तो बनानी ही चाहिए। तो ये कैरेक्टर द मास्क डार्क हॉर्स कॉमिक से बिलोंग करता है। जी हाँ, ये मार्वल का कैरेक्टर नहीं है, ना डीसी का है। डार्क हॉर्स कॉमिक्स भी बहुत अच्छे कैरेक्टर्स बनाती है, जैसे कि हेल बॉय, मास्क वगैरह वगैरह। हमने जो मूवी देखी है वो बहुत ही फनी है, लेकिन कॉमिक्स में ये कैरेक्टर कुछ ज़्यादा ही वायलेंटली फनी है। मेरा मतलब बहुत ही ज़्यादा मार काट के साथ मज़ेदार होना। ये कैरेक्टर डेडपूल की तरह तो नहीं है, लेकिन याद रखना डेडपूल से कम भी नहीं है, उससे ज्यादा ही होगा। इसकी ओरिजिन कॉमिक में स्टैनली इपकिस एक तंत्र मंत्र से बीमार अजीब रहने वाला आदमी है। उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसका कुछ झगड़ा हो जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए वो अपनी गर्लफ्रेंड कैथी को गिफ्ट देने के लिए एक जेड मास्क खरीदता है। और अभी भी स्टैनली अपने लाइफ से परेशान है। मास्क खरीदने के बाद बर्चर्स गैंग वाले शहर के जो पॉपुलर क्रिमिनल गैंग है उसके साथ बदसलूकी करते हैं और उसे बहुत ही बेरहमी से पीटते हैं और अपने काम करने के बाद उसे छोड़ देते हैं। अपनी गर्लफ्रेंड के अपार्टमेंट वाले घर जाते समय वो पूरे रास्ते यही सोचता रहता है कि काश मैं इन सबको मार पाता, और अगर मारता तो कैसे मारता। और इसके मारने के तरीके लिटरली बहुत ही ज्यादा अजीब है। और जैसे ही वो दरवाजे पे पहुंचता है उसके मास्क से आवाज आती है और उस आवाज को सुन के वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि उन्हें मारने की कोशिश तो एक बार की ही जा सकती है, लेकिन अभी उनके गुद्दे में उतना दम कहां। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड को मास्क गिफ्ट कर देता है और उसकी गर्लफ्रेंड माफ कर देती है उसे। फिर अब क्या सुनोगे, उन दोनों ने सेक्स किया? हाँ, उन दोनों ने अपना प्यार बढ़ाने के लिए सेक्स किया और सो गए। फिर बीच में रात में स्टैनली को मूतने की चाहत होती है, लेकिन जैसे ही वो अपना काम करने जाने ही वाला होता है उसे जेड मास्क टॉयलेट सीट पर नजर आता है। जेड मास्क को देख उसे लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अब भी उससे नाराज है, क्योंकि इतनी एंटिक चीज उसने अभी भी बाथरूम में रखी है। स्टैनली वापस अपनी गर्लफ्रेंड को डराने के लिए मास्क पहन लेता है, लेकिन पहनने के दौरान उसके साथ जो बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं उसे देख कर वो डर जाता है, लेकिन मास्क उससे फेस पे पूरी तरीके से अटैच हो चुका होता है। और यहाँ से ही कॉमिक का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है। मास्क उसे कई सारे पावर्स भी देता है, जैसे कि रियल रियलिटी को बदलना, ना बनना, और ये सब तभी तक कायम है जब तक उसने मास्क पहना है। स्ट्रीट में दो लोग से भिड़ने के बाद स्टैनली कार से टकरा जाता है और पूरी की पूरी कार उस पर चल जाती है। अपने आप ठीक होने के बाद स्टैनली कहता है कि वो अपनी पावर्स समाज की अच्छाई के लिए और भलाई के लिए यूज करेगा, लेकिन उससे पहले अपना पर्सनल काम तो निपटा ले। गैंग वालों के अड्डे पे जाने के बाद सबकी बजाता है, और बजाना तो छोटी वर्ड है, डायरेक्ट मार ही देता है। किसी का बेसबॉल से सिर फोड़ता है तो किसी का रेंज से नाक तोड़ता है, खड़े आदमी को जिंदे जला देता है, एक आदमी को तो गोलियों से छल नहीं कर देता है। सबको मारने के बाद पूरी की पूरी बिल्डिंग को आग के हवाले कर देता है। इन सब के बाद अभी भी वो खुशी से नाच रहा है। फिर अगली सुबह कैथी अपने बाथरूम में जाती है तो उसे बाथरूम में द मास्क दिखाई देता है, लेकिन स्टैनली तुरंत दरवाजा बंद कर लेता है और अपने ओरिजिनल लुक में बाहर आता है और तुरंत ही टीवी खोल के बैठ जाता है। कई हफ्तों तक यही सब चलता रहता है, अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाना और मारने वाले लोगों की लिस्ट बना के उन्हें मारते रहना। स्टैनली ज्यादातर मिलिट्री आउटफिट में रहने लगता है किसी न्यूज से इंस्पायर होकर। फिर किसी दिन कैथी से फिर से झगड़ा हो जाता है और ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि स्टैनली उसके ऊपर हाथ तक उठा देता है और तुरंत अपना मास्क लेकर उसके अपार्टमेंट को छोड़कर चला जाता है। इसके बाद स्टैनली कार रिपेयरिंग वाले के यहाँ जाता है जो लोगों को गलत तरीके से पैसे से ठगते हैं, लेकिन इससे पहले स्टैनली मास्क बनकर बहुत ही गलत काम करता है। स्कूल के सारे बच्चों के सामने अपनी बूढ़ी एलिमेंट्री स्कूल टीचर को टॉर्चर करता है और फिर वहीं मार देता है, क्योंकि उसकी टीचर ने उसे बचपन में सबके सामने उसका मजाक उड़ाया था। अपनी टीचर को मारने के बाद द मास्क ऑटो शॉप पे दोनों मैकेनिक्स को मार चुका होता है और मोटे को तो चेन से लटका के उसके में रॉड्स ही रॉड्स डाल देता है और दूसरे के मुंह में तो साइलेंसर ही घुसा देता है। वापस अपनी गर्लफ्रेंड के अपार्टमेंट जाते समय मास्क एक बच्चे के सिर पे पंच करता है और एक बूढ़ी सी औरत को छेड़ के चला जाता है। घर पहुंच के सोचता है कि अपनी गर्लफ्रेंड के आने से पहले कुछ नींद पूरी कर ले और दुनिया के लिए सुपर हीरो वाला काम कल से चालू करेगा। मैं भी बोलता हूँ कोई भी काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। कैथी घर पे पहुंच जाती है और अभी भी स्टैनली सो रहा होता है और उसका मास्क लेके वो डस्टबिन में फेंक देती है। और फिर शाम को डिनर शुरू होता है, स्टैनली माफी मांगता है और बात को बताता है कि वो पहले से कैसे बदल चुका है। फिर इधर उधर देखता है और पूछता है कि उसका मास्क कहाँ है। फिर उसकी गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि उसने उसका मास्क फेंक दिया है। ये सुन के वो चौंक जाता है और परेशान उठता है कि अब उसके सुपर हीरो वाले ख्वाब का क्या होगा। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उसे अपनी एलिमेंट्री स्कूल वाली टीचर को नहीं मानना चाहिए था, और जो कि उसके पास से मास्क जा चुका है तो जो होता है अच्छे के लिए होता है।
फिर स्टैनली टीवी खोल के बैठ जाता है और टीवी पे वही सारी न्यूज आ रही है जिन लोगों ने स्टैनली ने मारा था, और उसे देख के वो अभी भी हंस रहा है और अपनी लिस्ट को दोबारा चेक करता है और देखता है कि अभी भी एक आदमी बचा हुआ है जिसने उसके $60 नहीं दिए थे और अभी भी उसको मारना है। ये सुन के उसकी गर्लफ्रेंड उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरी जिंदगी और मेरे अपार्टमेंट से निकल जाओ। उसे मनाने की वजह वो उससे पूछता है कि मास्क कहाँ फेंका है। उस रात स्टैनली कैथी के अपार्टमेंट में पीछे से घुस जाता है और उसके घर में मास्क ढूंढना चालू कर देता है। फिर उसे ख्याल आता है कि सब कुछ बताने के बाद शायद उसकी गर्लफ्रेंड वो मास्क अपने यूज के लिए रख ली होगी, लेकिन फिर खिड़की खोलते समय विंडो उसके ऊपर गिर जाता है और जल्दबाजी में कैथी डर के पुलिस को फोन कर देती है। स्टैनली अभी भी यही सोच के चल रहा है कि कैथी अभी नहीं जागी होगी, लेकिन स्टैन जैसे ही उसके रूम में जाता है कैथी उसके सिर पे लैंप से मार के उसे बेहोश कर देती है और सारी बात जानने के बाद स्टैन को हटाने लगती है कि इससे पहले पुलिस उसके घर पहुंचे। पुलिस के आने के बाद कैथी जल्द से जल्द उनसे पीछा छुड़ाना चाहती है, लेकिन स्टैन दूसरे रूम से मास्क पहनकर आ जाता है और कैथी का इंतजार करने लगता है कि जैसे ही वो अंदर आएगी वो दोबारा उससे उस पर लैंप मार के अपना बदला पूरा करेगा। लेकिन कैथी के अंदर आने से पहले एक पुलिस वाला अंदर चला जाता है और मास्क उसके ही सिर पे मार देता है और दूसरा पुलिस वाला गोलियों की बौछार चालू कर देता है। मास्क अपने सिर में गोली लगने के बावजूद भी फर्स्ट क्लास है, अपने जैकेट से दूसरा लैंप निकाल के दूसरे पुलिस वाले को भी मार देता है। सबको मारने के बाद द मास्क फ्रिज में से बियर पीने के लिए जाता है। फिर तीसरा पुलिस वाला कहीं से आके मास्क के सिर पे लैंप मार देता है, लेकिन मास्क अभी मूड के मजाक में नहीं है। अपनी जैकेट से लैंप की जगह गन निकाल के पुलिस वाले को गोलियों से छलनी कर देता है। इन सबके बाद ढेर सारे पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन मास्क एक बूढ़ी औरत बन के रॉकेट लॉन्चर से सबको उड़ा देता है। पूरी बिल्डिंग को आग लगा के कईयों को मारने के बाद पास का एक पुलिस वाला वहां पहुंचता है और बोलता है शायद मास्क हम सबके बीच में अपना फेस बदल के छुपा हुआ है। और फिर उन्हें एक आदमी दिखता है जो अभी अभी तो मरा है। तीनों पुलिस वाले उस पर गोली चलाने लगते हैं, लेकिन उन सबके गोलियों चलाने के बावजूद मास्क उन सबको मार देता है और छत पे भाग जाता है। अब जो कि उसके पास रियलिटी चेंज करने की पावर्स हैं, तो सबको कंफ्यूज करके एक एक को मजे ले लेके मारता है। लेकिन पुलिस वाले भी कम थोड़ी ना है, मास्क को हर तरफ से घेर के जितनी गोलियां उनके पास है सब चला देते हैं और छत से उसे फेंक देते हैं। फिर जैसे ही मास्क एक पुलिस वाले की गाड़ी पे गिरता है, उसी कार को लेके अभी भी मजाकिया मूड पे लॉन्ग ड्राइव पे चला जाता है। जाते समय एक ट्रक को ही उड़ा देता है, अंधाधुन पागलों की तरह गाड़ी चला रहा है, एक सुपरमार्केट में कार ही घुसा देता है सिर्फ और सिर्फ एक बियर पीने के लिए। कार से सबको ठोक ठाक के घुसा है, बियर लिया और पैसे भी दिया और फिर कुछ और पुलिस वालों को मारा। लेकिन फिर उसे रास्ते में वो आदमी दिखता है जिसने अभी भी स्टैनली के $60 नहीं दिए थे। फिर और पुलिस वालों को पता चलता है कि द मास्क अभी भी रोड ब्लॉक की तरफ किसी आदमी के ऊपर कार चढ़ाने वाला है। मास्क उसके ऊपर कार तो चढ़ा देता है, लेकिन ठीक कार चढ़ाने के बाद एक पुलिस वाला उसे टक्कर मार देता है और उसकी कार क्रैश कर जाती है। वो पुलिस ऑफिसर सोचने लगता है कि अब उसकी कार कहाँ गई और मास्क कहाँ है, लेकिन मास्क गाना गाते हुए उसकी कार के छत पे खड़ा रहता है और बड़ी सी बैटल एक्स से उसका छत फाड़ देता है और ड्राइवर कार क्रैश कर देता है। इन सब के बाद सारे पुलिस ऑफिसर्स उसके ऊपर फ्लेम थ्रोवर्स, मिनी गन्स, फायर मशीन, टैंकर, जो मिले वो वेपन से अटैक कर देते हैं। साला पूरा का पूरा मास्क कत्लेआम मचा देता है। एक गटर के रास्ते से मास्क दूसरे ब्लॉक के रोड पे चला जाता है और एक पुलिस ऑफिसर से बहस करने के बाद उसे बेवजह ही मार देता है। मेरा मतलब यार, इन सब के बाद भी अभी भी मजाक चल रहा है, साला इंसान है कि पागल, इसे गुप्त रोग तो नहीं है बे। अपने अपार्टमेंट में जाने के बाद मास्क स्टैन से बोलता है कि अब उन्हें शायद शहर छोड़ना पड़ेगा। स्टैन उसकी बात मान जाता है और चेंज करने जाता ही है कि उसके पीछे से कोई दो बार गोलियां चला देता है। और यहां पे हमें देखने को मिलता है कि कैथी ने मास्क पहन लिया है और यहाँ से कैरेक्टर का नया फीमेल वर्जन शुरू होता है और ये बेचारा स्टैन मरा हुआ पड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से स्टैनली का मरना ठीक हुआ, क्योंकि उसने बहुत ही गलत काम किया है, उसने बेवजह ही लोगों को मारा है। ये कैरेक्टर साइकोपाथ के कैरेक्टर से कई गुना ऊपर है। जानता हूँ कि ये कैरेक्टर जोकर और क्रीपर से इंस्पायर है, लेकिन कुछ ज्यादा ही है। आपका क्या कहना है द मास्क और उसकी ओरिजिन के ऊपर, कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर डेडपूल और मास्क मिल जाए तो क्या होगा, ये भी कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और पंचे किस द मार्वल यूनिवर्स पे सबसे ज्यादा वोट एपिसोड वाइज पॉसिबिलिटी को मिले हैं, तो अगली वीडियो आपको एपिसोड वाइज देखने को मिलेगी। और बुरा मत मानना यार, मेरे एपिसोड्स कुछ ज्यादा छोटे होते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो गोलियों से उड़ा दो यार लाइक के बटन को। इस चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करो यार, गरीब आदमी की दुआएं लगेंगी। और दुआ करते रहो कि इस कैरेक्टर का फिर से एक नई मूवी आए, और यार डेडपूल रहेगा तो यार मजा ही आ जाएगा। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन्ड।